बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तूने? अजय साहब आप रुको, मैं अभी आता हूँ, अभी इसको ठीक करता हूँ अभी। इस उल्लू के पट्टे ने सारा प्रोटोकॉल खराब कर दिया आपका। ओह नो, अबे कबीले ये क्या कर रहा है? अबे रुक साहब, हो गया ठीक? बेवकूफ आदमी, तू मुझे जानता नहीं है, तेरा मैं वो अशर करूंगा। नहीं क्या करेगा तू, भलाई का जमाना ही नहीं है। माना कि मैंने तेरे ऊपर कीचड़ डाली, फिर साफ भी तो की ना मैंने। जुबान लड़ा रहा है, तुझे शायद पता नहीं है साहब है कौन। तुझे अभी पता नहीं है मेरी पावर का, तू बस अपना नाम बता, फिर देख करता क्या हूँ मैं तेरे साथ। नहीं कौन है तू, पुलिस में है, अफसर है, जहाँ से भी है ना निकल यहाँ से, चल। अबे साले मैं वापस आया हूँ, मीटर रीडर हूँ मैं, तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा तुझे ये घर और ये कपड़े बेच के बिल अदा करना पड़ेगा। अबे मेरे घर बिजली नहीं लगी हुई, मेरा पूरा घर सोलर सिस्टम से चलता है, चल निकल यहाँ से, चल। अबे सच में इसके घर में बिजली नहीं है? सब तारे तो कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसी बात है तो पहले इसका लगवाएंगे मीटर, फिर उसके बाद इसके बिल के अंदर इतने यूनिट डालेंगे, देखना कंगाल हो जाएगा ये। चल अब देख करता क्या हूँ इसके साथ। बात अब इज्जत पे आ गया, पहले इस साले का मीटर लगवाऊंगा, फिर बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा इसका बाप भी नहीं भर पाएगा। आहा, ये शख्स इंतहा का कंजूस है, और ये मर जाएगा मीटर नहीं लगवाएगा, और इसने सारी जिंदगी लालटीन पे बसर की है। मैं अपनी जेब से पैसे लगा के इसको फ्री में मीटर दूंगा, फिर तो लगवाएगा ना। ये फिर भी नहीं लगवाएगा, जब तक इसको कोई फायदा नजर नहीं आता ना, ये मीटर नहीं लगवाने वाला। अब क्या होगा साहब, हम अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लें? मैं किसी भी कीमत पे इस बंदे का मीटर लगवाऊंगा, और इसको ज्यादा बिल दे के अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अभी मेरी हथेली पे 2 लाख रख दो, बंदे को मीटर लगवाने पे मैं राजी कर लूंगा। 2 लाख? हाँ 2 लाख, लालची बंदा है मान जाएगा। और आपका क्या है, आप अगले महीने मीटर रीडिंग करने आना, और 2 की बजाय इसके बिल में 4 लाख ठोक देना। आइडिया अच्छा है इसका। इज्जत के आगे 2 लाख कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो, बैग में से 2 लाख निकाल के दो इसे। 2 लाख तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस बंदे को राजी करो, कल मैं मीटर लेके आऊंगा, फिर देखो इसके साथ होता क्या है। ठीक है ठीक है। ये लो साहब, ये लो, आप मीटर लेके आओ, समझो बंदा राजी। ठीक है चलो। अगले दिन आज इस बंदे का मीटर लगा रहे हैं, तुम देखना ठीक 1 महीने बाद ये बंदा तुझे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। ये होती है बदले की आग। हाँ भाई, उस बंदे को मीटर के लिए राजी किया था कि नहीं? ओ जी जी, बंदा राजी है। ओ असलम भाई, सत बिस्मिल्ला करा। आज तो इसकी टून ही कुछ और है, तेरे नाम का मीटर लेके आया हूँ, लगाना है? तो देर किस बात की है, चले ना। चलो। सदियों से मैं तो अंधेरे में पड़ा था, आपने एहसान कर दिया मीटर लगा के, अब तो तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नवाजिश। चलो। ले बेटा, अब तेरा मीटर लग गया, अब मैं तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा तेरा बाप भी बिल नहीं भर पाएगा। तू अपने कपड़े बेचेगा, तू अपना मकान बेचेगा। हेलो जी सर, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज सर। क्या हुआ बोंडू, तेरा ट्रांसफर हो गया क्या? तुम्हें कैसे पता है? दरअसल कल तूने जो 2 लाख रुपया इस बंदे को दिया था ना, ये मेरा छोटा भाई है। 1 लाख की तो हमने करी शॉपिंग, बाकी का 1 लाख लेके हम चले गए वापडा दफ्तर। वहाँ तेरे बड़े अफसर को हमने 1 लाख दिया और तेरा इस इलाके से ट्रांसफर करवा दिया। अब तू रीडिंग करने नहीं आ सकता, मीटर भी फ्री में लग गया। चल भाग, चल निकल यहाँ से।